रेलवे स्टेशन पर बढ़ते अपराध को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत जीआरपी पुलिस ने एक पर्स स्टोर और मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और आपको बता दें कि जीआरपी थानाधिकारी राम अवतार ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर गेगल निवासी मोइनुद्दीन को संदिग्ध दिखने पर उसकी तलाशी ली गई और इसमें आधा किलो गांजा और आधा किलो अफीम बरामद हुई है। रेलवे स्टेशन पर यात्री का पर्स चोरी होने के मामले में भरतपुर निवासी पंकज जांगिड़ को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके पास से 10,000 रुपए नकदी, चोरी के 8 मोबाइल और धारदार हथियार बरामद किया गया है।